वालेकुम। ये हमारे कस्टमर हैं जिनको हमने काफ़ी अर्से पहले हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की थी इनकी लांसर में, तो ये उसकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं और हम वीडियो भी बनाएंगे इनकी लांसर की। जी मेरे भाई, माशाल्लाह तकरीबन साल के करीब हो गया और एवरेज मेरी गाड़ी का था 11-12 हाईवे पर। अब ये लांसर कौन सी है आपकी? लांसर 2005 ऑटोमेटिक 1300 सीसी। ठीक है। अब कभी कभी वो हमारी निगलेसी होती है, पानी चेक नहीं करते हैं तो उस वजह से गड़बड़ होती है थोड़ी बहुत, एवरेज में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। 17-15-17 वो हमारी गड़बड़ की वजह से ये एवरेज पे आती है। नहीं, हमने आपको अभी नई जो किट रखी है इंशाल्लाह वापस 19 उस पर आ जाएगी वापस। ठीक है, चलो अभी आपकी गाड़ी की तरफ चलते हैं फिर हम। ये जनाब वो मिट्सुबिशी लांसर है 2005 1300 सीसी ऑटोमेटिक। तो ये एक साल तकरीबन इसमें इंस्टॉलेशन हुए हमारी किट हो गया है। बैठे आप गाड़ी में बैठे, और ये हमारे कस्टमर हैं, पानी लेने के लिए आए थे। इसके अलावा पानी ख़त्म हो गया था इनका किट का, तो ये इंतहाई मुतमईन है। वो एनहांसर दिखाइएगा ज़रा। ये हमने ड्राइवर के पास यहाँ एनहांसर रख दिया है। ऑन है ये इस वक्त? बिल्कुल ऑन है। 3 पे जो है तकरीबन ये इसमें चल रहा है। नहीं, मैं 4.25-4.5 पे चला था। हाँ, मोटरवे पे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा लीन कर लेते हैं, शहर में आए तो फिर थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 3 पे ले आता हूँ। हाँ बिल्कुल, यही फ़ायदा है, कभी स्पीड देनी पड़ जाती है ना। हाँ हाँ, सही दुरुस्त है। और ये इनकी किट है, ये हमने डिस्टिल्ड वाटर इनको भर के दिया है 5 लीटर। ये माशाल्लाह कितना बता रहे थे आप माइलेज कितने महीने में, आज बताइएगा ज़रा कहाँ कहाँ जा रहे हैं आजकल आप? भाई मेरा तो तकरीबन पूरा पाकिस्तान टूर चल रहा है अभी। कराची सक्खर, कराची मुल्तान, कराची इस्लामाबाद, लाहौर, सब जगह तकरीबन 27,000 किलोमीटर चला चुका हूँ गाड़ी पिछले महीने में। इन डेढ़ दो महीनों में 27,000 के करीब, माशाल्लाह। अभी क्या है इसकी ऑटो? 1,28,000 इस वक्त है ये, 1,28,126। हाँ ठीक है, माशाल्लाह आपने सही हमारी किट जो है ना वो टेस्ट की है बेसिकली, कर रहा हूँ आपकी बाकायदा। चलें इंशाल्लाह। और एसी पर? हाँ एसी, एसी पर, एसी पे चलती है सही, ये नहीं के बगैर एसी चला रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, धुएं की सूरत हाल ज़रा देखें इसकी। हाँ करती है बिल्कुल। ये इसमें धुएं में पानी तो नहीं है लेकिन हल्की स्मेल है, थोड़ी बहुत तो रहेगी ना वो आगे से पिक्चर से भी। हाँ वो एनहांसर से थोड़ा सा बढ़ाएंगे। हाँ गीला हो रहा है। ये गीला हो रहा है देखें। हाँ गुड, अब बेहतर हो गया है, स्मेल जो है ना चुभने वाली। हाँ हाँ नहीं, अब गीला गीला हो रहा है। पानी तो सुबह इतना देती है, ये पूरा मेरा फर्श खराब कर दिया घर में। ये सारा पानी आपका कैटलिटिक कन्वर्टर और जो आपका इंजन है ना, जितना अब कोई कार्बन किसी किस्म का इंजन में कहीं नहीं होगा, साफ कर दिया है ना। ये ब्राउन है? हाँ ब्राउन ब्राउन है। अभी असल में जब मैं हैदराबाद से आया हूँ ना, पानी की वजह से किट बंद कर दी। ठीक है, अच्छा पानी खत्म हो गया था असल में हैदराबाद में, इधर उधर से लेना नहीं चाह रहा था पानी। हाँ हाँ, मैंने कहा किट बंद करके आ जाओ, कभी कभी बगैर किट के भी चला लो, अच्छा सही खतर आती है ना फिर। हाँ सही सही सही। तो ये माशाल्लाह इनकी किट अब जो है हमने एक और चेंज कर दी है, तो ये 10 एम्पियर ले रही है, पुरानी किट 8 ले रही थी। और बबल्स देखें आप माशाल्लाह बहुत तेज़ है, तो पहले से काफ़ी तेज़ हैं इन बबल्स को हमने छोटा छोटा कर दिया, तो ये फैल के आ रहे हैं बहुत सारे। और किट को भी हमने इम्प्रूव किया है, तो हमने अभी किट की प्लेटें जो है वो ज़्यादा डूबी रहती हैं हमारी पुरानी वीडियोस के मुकाबले में। अगर आप नोट करें तो देखें पानी ऊपर तक भरा हुआ इनमें। और ये इसके साथ हमने एक बबलर कम रिजर्वायर भी लगा दिया साथ। ये साइड में इसकी ये लेवल की ट्यूब है, तो ठीक है फिर आप निकले, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। चलती हुई दिखाऊंगा मैं। ओके भाई।
अभी।